बिहार के भागलपुर में बाढ़ का खतरा देखने को मिल रहा है। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर में गंगा का दबाव बांध पर बढ़ गया है। 40 मीटर के दायरे में बांध पर कटाव होने लगा है। इसके बाद गुरुवार की देर शाम अधिकारियों ने भी बांध का जायजा लिया है। आपको बता दें कि लगातार बिहार के भागलपुर में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। इसी दौरान एक वीडियो भी जिले का सामने आया है, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल भागलपुर जिले में गंगा नदी के जल स्तर बढ़ने से भारी तबाही देखने को मिल रही है। नवगछिया में गंगा नदी के तट के पास एक झोपड़ी मिट्टी के कटाव के कारण बह गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें कि लगातार झमाझम हो रही बारिश के कारण काफी ज्यादा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बड़े पेड़, बिजली के खंभे, सड़क, बड़ी संख्या में मिट्टी सहित देखते ही देखते गांव गंगा में समाहित हो गए हैं। बता दें कि बिहार में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है और उम्मीद ये है कि 3 दिन तक लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रवार को बिहार के बेतिया, कटिहार, समस्तीपुर, मधेपुरा, सुपौल, अरिया, मधुपुरी में लगातार भारी बारिश हो गई और बादल भी छाए रहे। इस दौरान गुरुवार को भी कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिसके कारण किसानों को काफी ज्यादा राहत तो मिली, लेकिन शहरों में जलभराव हो गया। दूसरी ओर आकाशीय बिजली गिरने से राज्य में 3 लोगों की जान भी चली गई। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा दरभंगा के घनश्यामपुर में 122.4 mm बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग केंद्र ने अगले 3 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिणी पूर्व के अधिकांश स्थानों और शेष भागों के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। साथ ही राज्य के अधिकतर जिलों के 1-2 स्थानों पर वज्रपात और मेघ गर्जन की संभावना है। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के 15 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। बिहार के भागलपुर से गंगा नदी में जो जल स्तर बढ़ा है, उसके कारण एक का विचलित कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक का झोपड़ी गंगा नदी के किनारे मौजूद थी और बढ़ते जल स्तर के कारण, मिट्टी में कटाव के कारण यह झोपड़ी आंख झपकते ही नदी में बह गई। देखिए वहां का खौफनाक वीडियो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट जानकारियों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।